गाइस हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। एंड हमारी आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, हमारी पुरानी सारी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, जो कि आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल के थ्रू ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। आए दिन हम लोग आप लोगों के साथ हमारे सब्सक्राइबर्स के रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस को तो शेयर करते ही है, तो आज हमने क्या सोचा ना कि क्यों ना थोड़ा हट करके हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स है ना, उनके रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया जाए। हमारे बॉलीवुड स्टार शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं और उसी दौरान वो लोग काफी सारे होटल्स में स्टे भी करते हैं, मतलब कि हॉन्टेड होटल। और उस टाइम पर ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने क्रीपी क्रीपी एक्टिविटीज महसूस की है, और वो एक्टिविटीज केवल क्रीपी ही नहीं होती थी, इतनी ज्यादा डरावनी होती थी ना कि मे भी उनके जगह अगर आप लोग या हम लोग होते तो हमारी जान निकल जाती। और ये सारी बातें उन सारे बॉलीवुड स्टार्स ने अपने इंटरव्यू में खुद से बताई है। तो हमने खूब सारी रिसर्च की, उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पर आ गए आपके साथ चुगली करने और आप लोगों को डराने के लिए। खैर अगर इस बात को हटाया जाए तो इसके अलावे भी हमने दो वीडियोस बनाई है के-पॉप आइडियल्स के बारे में और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बारे में, जहां पर हमने उनके भी रियल लाइफ पोस्ट एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उस वीडियो को भी देख लो। खैर काफी सारी बातें कर दी हमने, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो पर जंप करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के ना रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, ताकि वीडियो देखने का मजा दुगना हो जाए। और सीरियसली आज की वीडियो है ना काफी ज्यादा डरावनी और काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो दीदी बिना किसी देरी के ना डायरेक्ट वीडियो पे जंप करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारे एक्टर्स हैं जिसके साथ क्रीपी और भूतिया घटनाएं हुए हैं, पर आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ केवल पांच ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पांचवे नंबर वाली जो घटना है ना, वो हमारे बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव के साथ घटी थी। और आप लोगों को वो मूवी तो याद होगी ना स्त्री, कमेंट करके बताना कि किस किस ने वो मूवी देखी है। तो वो मूवी ऑलरेडी एक हॉरर मूवी है, और राजकुमार राव ने ये बताया था कि उस मूवी की शूटिंग के लिए वो लोगों को एक गांव में जाना था, और कहा जाता था कि वो गांव ना ऑलरेडी हॉन्टेड विलेज के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, और वहां पर शुरू से ही बहुत सारी क्रीपी घटनाएं होते आई है। वैसे किसी को भी डर नहीं लग रहा था, पर वहां के हर एक टीम मेंबर को जब भी अगर रात में शूटिंग होना रहता था ना, तो सारे लोगों को स्ट्रिक्टली ये मना था कि कोई भी रात के टाइम परफ्यूम वेयर नहीं करेगा, और खासकर अगर कोई लड़की है ना तो रात के वक्त अपने बाल खुले नहीं रखेगी। ऐसे तो पूरे शूटिंग के दौरान उन लोगों में से किसी को भी अजीबोगरीब चीज फील नहीं हुई थी, पर एक बार रात के करीब 2:30 से 3 बजे जब वो लोगों का शूट चल रहा था और सारे मेंबर्स नीचे शूट कर रहे थे, तो उनमें से शायद उनका लाइट बॉय था जो कि जमीन से करीब 30 फीट ऊपर था। और जब शूट चल रहा था ना, तो अचानक से क्या होता है कि लाइट बॉय जमीन पर गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है और सारे मेंबर्स उसे उठाने जाते हैं, तो वो चिल्लाकर ये कहता है कि सर सर मुझे ऐसा फील हुआ ना कि किसी ने मुझे ऊपर से धक्का दिया। पर वो बेचारा इतनी ज्यादा जख्मी हालत में रहता है ना कि तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। पर इस घटना के बाद सारे मेंबर्स काफी ज्यादा डर गए थे। उस रात तो खैर शूटिंग रोक दी जाती है, पर उस घटना के बाद ना रात की जितनी भी शूटिंग थी ना उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो जी जो चौथे नंबर की घटना है ना, वो घटी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जब वो अपनी ही एक हॉरर मूवी आत्मा फील इट अराउंड यू की शूटिंग कर रहे थे। रानी जस्ट इमेजिन ना, जब एक एक्टर खुद ही हॉरर मूवी की शूटिंग कर रहा हो और एक सीन के दौरान उसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो, मतलब ये चीज कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है, टू मच फन। खैर देखो होता है क्या है, एक सीन की शूटिंग चल रही थी और वो जो सीन था ना एक कमरे में शूट हो रहा था। उस कमरे के एक दीवार पर बड़ा सा फोटो फ्रेम लटक रहा था, और वो जो फोटो फ्रेम था ना नवाजुद्दीन के जस्ट सामने था। नवाजुद्दीन का डायलॉग चल रहा था, और डायलॉग देते 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 नवाजुद्दीन क्या देखते है ना कि वो फोटो फ्रेम हल्का हल्का टिल्ट होना चालू हो जाता है, मतलब वो ऐसे था ना, वो हल्का हल्का टिल्ट होने लगता है। नवाजुद्दीन यहाँ पर थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जब बाहर से हवा भी तेज नहीं चल रही है, कमरे की फैन भी ऑन नहीं है, तब ये फोटो फ्रेम टिल्ट कैसे हो रहा है। लेकिन वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, उन्होंने सोचा कि अगर सीन को बीच में कट करेंगे तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। उन्होंने
डायलॉग बंद नहीं की और वो अपना सीन कंटिन्यू करते रहे, और जब तक नवाजुद्दीन डायलॉग बोल रहे थे ना, फोटो फ्रेम कंटिन्यूअसली टिल्ट हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर के फोटो फ्रेम पूरी तरीके से पलट जाता है। अगर वो ऐसे था तो समझो वो ऐसे हो जाता है। और ये सारी चीजें नवाजुद्दीन के आंखों के सामने हो रही थी, उन्हें डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो सीन को कंटिन्यू रखे हुए थे। तब तक अचानक से क्या होता है ना, वो फोटो फ्रेम अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसके कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और तब जाकर के वहां पर सीन रुकता है। और नवाजुद्दीन काफी ज्यादा डर गए थे, वो एक ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद सारे टीम मेंबर्स को बताते हैं कि अभी उन्होंने क्या देखा है। एंड ये जो घटना थी उनके लिए काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी, और उस वक्त नवाजुद्दीन ने फोटो फ्रेम को तो देखा ही था टिल्ट होते हुए, उसके अलावे भी उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उस कमरे में कुछ बहुत ही ज्यादा अनवांटेड एनर्जी है जो कि नहीं चाह रही थी कि वहां पर शूट हो, क्योंकि जितनी देर शूटिंग चली है ना कुछ अजीब गरीब घटनाएं हुई है शूटिंग को बीच में ही रोकने के लिए। तो जो तीसरी घटना है वो सनी लियोनी के साथ हुई थी, और आप लोगों ने स्प्लिट्सविला तो देखा ही होगा, तो उसमें से शायद कोई सीजन था जिसकी शूटिंग के लिए सनी राजस्थान गई थी, और वहां पर पूरे दिन शूटिंग करने के बाद जब वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वहां पर रात में अचानक से उसे क्या फील होता है ना कि उसका जो पूरा बॉडी है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, और उसका जो चेस्ट एरिया है वो काफी ज्यादा हेवी, और ऐसा लग रहा था ना कि उसके मुंह के सामने ना कोई सांस ले रहा है, गरम गरम सी हवा उसे महसूस हो रही थी। जब ये सारी चीजें फील हो रही थी ना तो सनी का जो नींद है वो अचानक से टूट जाता है, तो वो क्या देखती है कि उसके चेस्ट पे ना एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। रूम में पूरी तरह से अंधेरा था इसलिए सनी को उस बूढ़ी औरत का चेहरा अच्छी तरह से तो दिखा नहीं था, पर सनी को इतना दिख रहा था कि उसकी जो आंखें है ना वो लगातार बस सनी को घूरे जा रही है और उसका चेहरा पूरी तरह से पेल और काला है। जब सनी ये नजारा अपने आंखों के सामने देखती है ना तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। आप लोगों ने वो टर्म सुना होगा ना, स्लीप पैरालिसिस, एग्जैक्टली सनी के साथ उस टाइम पे वही हो रहा था। जब सनी का पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा था तब फिर भी मनी मन सनी ना पूरी एनर्जी को गैदर कर रही थी और चाह रही थी कि बस वो चिल्लाए, पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी। मनी मन वो प्रे किए जा रही थी, पर अचानक से क्या होता है ना कि उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है और वो जोर से चिल्ला के उस बूढ़ी औरत को बोलती है लीव मी अलोन, पर फिर भी वो बूढ़ी औरत वहीं पर उसके चेस्ट पे बैठी हुई थी और उसको देख के स्माइल किए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सनी की ना बहादुरी को मानना पड़ेगा, वो अभी भी डरती नहीं है, फिर से वो दोबारा चिल्लाती है लीव मी अलोन। उसका बॉडी अभी भी फ्रीज था लेकिन फिर भी वो जो भी बूढ़ी औरत थी वो हिलती तक नहीं है। जब थर्ड टाइम सनी जोर से चिल्लाती है एकदम फ्रस्ट्रेट होके प्लीज लीव मी अलोन, और इतनी जोर से चिल्लाती है ना कि अचानक से ऐसा सनी को फील होता है कि वो जो बूढ़ी औरत का जो भी शैडो था ना वो अचानक से हवा में ऐसे घुल गया हो। लेकिन ये चीज ना सनी को काफी ज्यादा डरा देती है, लेकिन सनी होटल में किसी को भी इस बारे में नहीं बताती और वो बाद में ये घटना के बारे में जिक्र करती है और हंसती भी है कि शायद वो जो भी बूढ़ी औरत थी ना वो अच्छी सोल होगी, इसलिए मेरे चिल्लाने से ना वो मेरे को डिस्टर्ब किए बिना वहां से चली गई। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भी एनर्जीज होती है ना अगर आप उनको कमजोर लगोगे तो ही वो आपके ऊपर अटैक करती है, अगर आप उनसे मुकाबला करोगे ना तो अक्सर वो आपसे मुकाबला करने से पीछे हट जाते हैं और आप लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। खैर जो दूसरी घटना है ना वो घटी थी गुरमीत चौधरी और उनकी बीवी देवीना के साथ, जब वो लोग एक शमशान घाट में शूट कर रहे थे रामायण सीरियल के लिए। और जब उसी शमशान घाट में शूटिंग चल रही थी ना तो शूटिंग के दौरान ही उनकी जो हेयर स्टाइलिस्ट थी ना अचानक से पजेस्ड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से बिहेव करने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही अचानक से जोर जोर से रोने लगती है। किसी भी टीम मेंबर को समझ में नहीं आता है कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। जब लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं ना तो वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आती है। 4.5 फीट की वो लड़की अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ जाती है ना किसी को भी समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा जो डरावनी चीज थी ना
वो ये थी कि वो लड़की साउथ की रहने वाली थी, लेकिन जब वो पजेस्ट हुई थी तो वो गुजराती भाषा में कुछ बोलना चाह रही थी, और वहां पर मौजूद जितने भी टीम मेंबर्स थे कोई भी गुजरात से नहीं था, किसी को भी गुजराती नहीं आती है, तो कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर वो लड़की कहना क्या चाह रही थी। खैर उसके बाद शूटिंग को बीच में रोका गया, उस लड़की को उस जगह से हटाया गया, गंगा जल वगैरह उसके ऊपर ला करके छिड़का गया और उस लड़की की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। गुरमीत और देवीना ने बताया कि उनके लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था जब उन्होंने अपने आंख के सामने किसी को पजेस्ट होते हुए देखा था, और इस घटना के बाद ना वो लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे। तो जी जो पहले नंबर की घटना है ना वो घटी है हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ, वो भी ऊटी के ही एक होटल में। और ऊटी मतलब कि पहाड़ों में कितने सारे भूत पाए जाते हैं ना ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बाय द वे ऊटी के ही एक होटल में ना मेरे साथ भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड एक्टिविटी हुई थी जिसने मेरी आत्मा को अंदर से झकझोर करके रख दिया था। उस बारे में भी हमने वीडियो बनाई, अगर आपने वो पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज मेक श्योर कि वो भी देखना, काफी ज्यादा मजेदार है। खैर मेरी बात हटाओ, यामी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यामी बताती है ना कि वो लोग जिस होटल में रुक रहे थे उसके बारे में ऑलरेडी उन लोगों ने अफवाह सुनी हुई थी कि वो होटल हॉन्टेड है, वो होटल डरावना है, ब्ला 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 ब्ला, पर वो लोग ना ज्यादा भूत वगैरह पे विश्वास नहीं करते थे। खैर दिन भर की शूटिंग होती है और शूटिंग के बाद रात के तकरीबन 12:30 बजे यामी अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही यामी अपने कमरे में जाती है, ड्रेस चेंज करती है, मेकअप रिमूव करती है ना, तब तक उनको क्या फील होता है कि उनके कमरे के बाहर कोई इंसान चल रहा है कंटिन्यूअसली। यामी पहले उसको इग्नोर करती है, लेकिन जब चलने की आवाज कंटिन्यूअसली आने लगती है ना तो यामी जाती है, दरवाजा खोलती है एंड चेक करती है कि कौन है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं रहता। यामी फिर से अपने बिस्तर पर आ जाती है लेकिन आवाज फिर से आने लगती है। अब यामी ना यहाँ पर हल्का सा डर जाती है और उन्हें वो सब बातें याद आने लगती है अफवाहों के बारे में जो कि उन्होंने होटल के बारे में सुनी थी। यामी अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है और इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा थकी हुई थी। वो क्या करती है, टीवी ऑन करती है ताकि कुछ शो वगैरह देख ले और इन सब चीजों से उनका ध्यान हट जाए, लेकिन टीवी ही नहीं चल रही थी। उसके बाद वो अपना फोन उठाती है, वो सोचती है कि फोन पर कुछ देख ले, लेकिन बैटरी पूरी होते हुए उनका फोन भी काम नहीं करता है। इसके बाद अब यामी काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो क्या करती है रानी, वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है। वो इतनी ज्यादा मजबूर हो जाती है ना कि अकेले रूम में बस ऐसा प्रे करती है कि यहाँ पर अगर कोई भी मेरे अलावा मौजूद है ना तो प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो, क्योंकि पूरे शूटिंग के दौरान हम काफी ज्यादा थक गए और मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रही है और मेरे को जल्दी सुबह उठना भी है, तो प्लीज अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है तो मेरे को सोने दो। इसके बाद यामी सीरियसली इतनी ज्यादा थकी हुई होती है ना कि कब उसे नींद आ जाती है पता नहीं चलता। अगेन सुबह वो जल्दी उठ जाती है और जैसे ही शूटिंग के लिए वो जाती है रेडी होने के लिए, और उनकी हेयर ड्रेसर जब उनके बालों को बनाती है और बालों को बनाने के लिए जब कर्लिंग आयरन यूज करती है तो उसके हीट से ना यामी के बालों से पता नहीं कुछ अजीब सा लिक्विड सा निकलता है। जब यही चीज यामी चेक करती है तो यामी क्या देखती है कि उसके बालों में बहुत सारा जो कैंडल का वैक्स होता है ना वो जमा हुआ है। पर यामी को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिर उसके बालों में कैंडल की वैक्स आई कहाँ से। कमरे में काफी सारे कैंडल्स तो थे पर वो बेड से काफी ज्यादा दूर में थे, लेकिन ये चीज यामी को काफी ज्यादा ना डरा देती है। और यामी ना इस चीज के बाद अपने जो भी डायरेक्टर थे उसको रिक्वेस्ट करके ये बोलती है कि प्लीज मेरा होटल चेंज कर दो वरना इस कमरे में तो मेरी जान निकल जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की टॉप 5 हॉरर एक्सपीरियंसेस। आप बताना कि किस बॉलीवुड स्टार की हॉरर एक्सपीरियंस आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज की वीडियो बस यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।